void type function is not allowed inside any expression or inside as a function arguments. What do you mean by this point? इस केस में पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है कंपेयर टू प्रीवियस वंस. मींस सिंपली अगर किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप वर्ड, व्हाट डू मीन बाय वॉइड टाइप फंक्शन. वॉइड टाइप फंक्शन मींस एनी फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप एज वॉइड नोन एज इन दैट केस वॉइड टाइप फंक्शन. इस केस में कंसीडर करेंगे वॉइड टाइप फंक्शन व्हिच इज हैविंग वॉइड रिटर्न टाइप. मींस वॉइड टाइप के फंक्शंस के केसेस में डिस्कस किया था मैंने. अगर किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप वर्ड है देन वॉइड टाइप के फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराना पॉसिबल नहीं है. नॉट अ ट्रू. टू थिंग्स क्या है इसमें, इफ एनी फंक्शन हैविंग वॉइड रिटर्न टाइप इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनसाइड एनी एक्सप्रेशन और इनसाइड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. इस वॉइड टाइप के फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराना पॉसिबल, लेकिन इस फंक्शन को कभी भी एक्सप्रेशन या फंक्शन आर्ग्यूमेंट में नेस्टेड फॉर्म में कॉल करना पॉसिबल नहीं है. चेक करेंगे वन बाई वन. इस इन दैट केस फर्स्ट एग्जाम्पल के केस बात करें फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने यूज किया जाए void. इस इन दैट केस फंक्शन रिटर्न टाइप हैविंग void. तीन इस केस में राइट डाउन क्या किया है रिटर्न 10. स्टिल इट इज वैलिड स्टेटमेंट. अगर इस स्टेटमेंट के केस बात करें या पर्टिकुलर केस बात करें प्रोग्राम के अंदर कोई किसी भी टाइप का कोई भी एरर मैसेज सुनी हो मिस वैलिड केस. लेकिन एग्जैक्टली रूल क्या था, अगर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वर्ड है देन इस फंक्शन को किसी एक्सप्रेशन में कॉल करना पॉसिबल, इंडिपेंडेंटली कॉल करना पॉसिबल है. इन दैट केस मेन के अंदर कॉल क्या किया m1. दिस इज द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट. मीन्स ना ही किसी एक्सप्रेशन में कॉल किया ना ही फंक्शन आर्ग्यूमेंट में कॉल किया, देयरफॉर इट इज वैलिड फंक्शन कॉलिंग. सिंपली इस केस में अगर आउटपुट के रिस्पेक्ट में बात करें आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले कॉल क्या हो मेन फंक्शन. मेन के अकॉर्डिंग प्रिंट क्या हुआ स्टार्ट मैसेज एज स्टार्ट. स्टार्ट प्रिंट होने के बाद थर्ड केस में कॉल क्या हो रहा है m1. कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ m1. m1 के केसेस में 3, 4 सिक्वेंस 5 डिस्प्ले क्या होगा m1 प्रिंट होने के बाद सिक्स केस का रिटर्न 10. तो इस केस में जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर आएगा इन दैट प्लेस देन विद वैल्यू. इस केस में रिटर्न क्या हुआ सिक्वेंस क्या था 6 के बाद एज आ 7 सिक्वेंस. लेकिन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा सिंपली 10. इस 10 को किसी प्लेस पर या किसी वेरिएबल में असाइन करना पॉसिबल नहीं है. रीजन जस्ट नेक्स्ट केस में चेक करेंगे. इन दैट केस m1 कॉल होने के बाद सिंपली प्रिंट क्या हो जाएगा एंड. नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 7 के बाद 8 सिक्वेंस क्या है प्रिंटिंग मैसेज एज एंड. मीन सिंपल केस है अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वर्ड है वर्ड टाइप के फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करना तो पॉसिबल है, लेकिन इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना पॉसिबल. चेक कर सकते हो सेकंड केस में. सेकंड केस कैसा एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम अगेन. इस केस में फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज किया जाए वॉइड रिटर्न किया इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज. जब भी ये फंक्शन कहीं भी किसी भी प्लेस पर कॉल हो इस प्लेस पर रिप्लेस किया हो समथिंग 10 एक्सपेक्टेड वैल्यू एज 10. बट इस केस में पर्टिकुलर केस क्या है दिस स्टेटमेंट कंटेनिंग कंपाइल टाइम एरर दैट वन रीजन व्हाई बिकॉज. इस केस में असाइनमेंट क्या है ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को नेम देंगे जाए असाइनमेंट एक्सप्रेशंस. ऑलरेडी राइट डाउन किया है किसी भी वॉइड टाइप के फंक्शंस को किसी एक्सप्रेशन के अंदर कॉल करना पॉसिबल नहीं. इस केस में m1 कॉल करूंगा इनसाइड सम एक्सप्रेशन देयरफॉर इट इज इनवैलिड स्टेटमेंट. रीजन आपको तो पता है इस केस में फंक्शन m1 के डेफिनेशन से रिटर्न क्या हो रहा है 10. लेकिन जब कंपाइलेशन हुआ तो कंपाइलेशन डिक्लेरेशंस के बेसिस पर होता है मीन्स हेडर ऑफ द फंक्शन नॉट अ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ड्यूरिंग कंपाइलेशन कंपाइलर कभी इसका बॉडी सेशन चेक न करके ओनली चेक क्या करेगा इट्स रिटर्न टाइप. इस रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग इस प्लेस पर कोई भी वैल्यू एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं, जबकि असाइनमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड किया सम वैल्यू देयरफॉर कंपाइल टाइम एरर. सेम एज इन सेकंड केस. सेकंड केस में m1 फंक्शन कॉल किया इनसाइड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अगेन फिर से एक्सप्रेशन के अंदर कॉल किया अगेन ये केस कैसा इनवैलिड. वन मोर थिंग्स फंक्शन आर्गुमेंट व्हाट डू मीन बाय फंक्शन आर्गुमेंट. अगर इसे m1 को मैं डायरेक्टली किसी फंक्शन में कॉल कराता हूं लाइक समथिंग printf के अंदर अगर m1 कॉल करें तो printf के रिस्पेक्ट में m1 क्या है फंक्शन आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट टू द printf अगेन इट इज इनवैलिड स्टेटमेंट. इस अगर इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता देन स्टेटमेंट सारे केस कैसे हैं वैलिड केस बट इन दैट केस इनवैलिड. लेकिन इस केस में क्वेश्चन ये है अगर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वर्ड है अगर इससे वैल्यू रिटर्न करना पॉसिबल इस वैल्यू का यूज क्या व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वैल्यूज और हाउ टू एक्सेस दैट रिटर्न वैल्यू. मीन्स डायरेक्टली इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना पॉसिबल नहीं, लेकिन लॉजिकली इस वैल्यू को एक्सेस करना पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर. मीन्स प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था जब भी किसी फंक्शन से किसी भी टाइप का वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो वैल्यू रिटर्न होने के केसेस में
सबसे पहले वैल्यू आसानी किसमें हुआ, इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट का वर्किंग एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट वन, असाइनिंग रिटर्न आर्गुमेंट इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन टू बॉडी ऑफ कॉलिंग फंक्शंस। लेट्स सी वन बाय वन। इस केस में इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सीपीयू और प्रोसेसर। प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में बात करें, प्रोसेसर के अंदर मीन्स सेल्फ मेमोरी क्रिएट होगा नॉन एज सम रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को मैं इस केस में अगेन डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। सपोज रजिस्टर एज एक्यूमुलेटर रजिस्टर एज ए एक्स एंड स्टैक एरिया। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑल लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन साइड स्टैक मेमोरी लाइक दैट। वन बाई वन, फर्स्ट वन, सबसे पहले इस केस में एग्जीक्यूशन किसका हो रहा है, मेन फंक्शन का। तो मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सिंपली एलोकेशन कितने वेरिएबल्स के लिए होगा, थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शंस, मेन के रिस्पेक्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, प्रोवाइडिंग मेमोरी एलोकेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन और लोकल वैल्यू ऑफ द मेन फंक्शन। इनिशियल वैल्यूज क्या होंगे इनके, गार्बेज वैल्यूज। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट थर्ड, थर्ड स्टेटमेंट के केस में क्या है, कॉलिंग एम वन। अगेन इस केस में एम वन फंक्शन को कॉल तो किया लेकिन इसका रिजल्ट कहीं भी असाइन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट एक्सेस करना पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। बिकॉज जैसे ही एम वन फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ एम वन। एम वन के केसेस में थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फाउंड हुआ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न के केस में मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप असाइनिंग गिवन वैल्यू और गिवन आर्गुमेंट इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। सबसे पहले 10 असाइन किस में होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स के अंदर। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। अब वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर बिकम्स 10। इन दैट केस इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, सेंडिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू इट्स कॉलिंग प्लेस मीन्स फाइव दैन सिक्स। सिक्स्थ केस में अगर कंट्रोल कहाँ, रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस मीन्स दैट वन। कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर मीन्स विच इज 10। लेकिन इस वैल्यू को कहीं ऐसा नहीं किया, इस केस में मैं ऑलरेडी श्योर था और आप लोग भी इस केस में श्योर हुआ। अगर यहाँ एम वन फंक्शन कॉल हुआ है तो एम वन फंक्शन का वैल्यू void type और void return type होने की वजह से इसको कहीं असाइन करना पॉसिबल, लेकिन सेम वैल्यू ऑलरेडी जो रिटर्न वैल्यू था ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो इस वैल्यू को डायरेक्टली x में असाइन करके एक्यूमुलेटर रजिस्टर से रिट्रीव करना पॉसिबल। मीन से इमीडिएटली मैंने राइट डाउन क्या किया, x इक्वल्स टू अंडर स्कोर ए एक्स, अंडर स्कोर ए एक्स आपको अपर केस में राइट करना होगा बिकॉज इट इज अ रजिस्टर नेम्स, प्रीडिफाइंड नेम्स हैं। नेक्स्ट वन, ए अंडर स्कोर ए एक्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ अंडर स्कोर मीन्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स इज लाइक दैट, एक्स इक्वल्स टू 10। क्योंकि अंडर स्कोर सॉरी ए एक्स और एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू क्या रिसेंटली 10, एक्स में 10 असाइन होना, एक्स बिकम्स 10। मीन्स इस फंक्शन का रिजल्ट डायरेक्टली एक्स में असाइन करना पॉसिबल नहीं, लेकिन एक्यूमुलेटर रजिस्टर से रिट्रीव करना पॉसिबल। नेक्स्ट वन, प्रिंट एफ से जब एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 10। नेक्स्ट वन, अगेन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, जब भी आप कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर दो, ऑपरेशंस के रिजल्ट ऑलवेज स्टोर कराऊंगा इनसाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अगेन इन दैट केस एक्स प्लस 5, एक्स का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा करेंटली 10। 10 प्लस 5 बिकम्स 15। 15 के केस में सबसे पहले रिजल्ट 15 आसान केस में होगा अगेन एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स में। मीन्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर की न्यू वैल्यू क्या होगी, 15। देन उसके बाद जहाँ भी वाई इक्वल टू एक्स राइट किया, वाई में भी क्या असाइन होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू। मीन से वैल्यू कॉपी किसमें होगा, असाइनमेंट के अकॉर्डिंग से इस प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर वाई। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू 15, इसलिए वाई में भी क्या असाइन होगा, ऑल्सो 15। नेक्स्ट वन, प्रीवियस केस में जब मैंने एक्स में अंडर स्कोर ए एक्स असाइन किया था एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू, इसका वैल्यू रिसेंटली क्या था 10, इसलिए असाइन किया हुआ 10। बट इन दैट केस करेंटली एक्यूमुलेटर रजिस्टर का वैल्यू क्या है, 15। नेक्स्ट टाइम अगर राइट डाउन करें जेड इक्वल्स टू ए एक्स, तो ए एक्स का वैल्यू क्या है, 15, इसलिए जेड में क्या असाइन हुआ, 15। देन नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ से वाई और जेड का वैल्यू डिस्प्ले करा, वाई का वैल्यू भी क्या प्रिंट हुआ, 15। जेड का वैल्यू प्रिंट हुआ, ऑल्सो 15। बट मोर थिंग्स, रजिस्टर का नेम क्या ए एक्स, लेकिन प्रोग्राम के अंदर या सी प्रोग्राम के अंदर इसको एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग नेम एज
underscore ax because it is a predefined names.